दिवाली स्पेशल आज मैं आपके साथ शक्कर पारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खास इसीलिए है क्योंकि इसमें मैंने मैदा और सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी चावल का आटा और एक कटोरी बेसन लिया है। इन सभी को हमने समान मात्रा में लेना है। इस एक बड़ी सी प्लेट में इसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो अब चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ एक बर्तन में एक कटोरी पानी डालेंगे और चीनी आधा कटोरी डालेंगे और इसे उबाल आने देंगे। इसी में हम इलायची पाउडर डालेंगे। चीनी अच्छे से घुल जाने के बाद गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को थोड़ा थोड़ा ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब 4 चम्मच गरम घी डालेंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे। चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक आटे की लोई करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ ताकि बेलते समय लोई चिपके ना। इसे हमें रोटी की तरह ही बेलना है, एकदम पतला भी नहीं और ज्यादा मोटा भी नहीं, बिल्कुल ऐसा बेलना है। तो चलिए अब इसे कट करेंगे। आप अपने पसंद से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अब शक्कर पारे को तलेंगे और यहाँ हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है ताकि ये अंदर से भी पके और बाहर से भी। देखिए हमारे शक्कर पारे बनके बिल्कुल तैयार है। हमने इसमें मैदा नहीं डाला है, फिर भी हमारे शक्कर पारे क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए।